मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। देर रात से ही पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तरों पर देश भर में छापेमारी जारी है। 11 राज्यों में एनआईए छापेमारी कर रही है। पीएफआई से जुड़े करीब 106 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा गिरफ्तारी केरल में हुई है। यहाँ पर पीएफआई से जुड़े करीब 22 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसी तरह से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पांडुचेरी, दिल्ली, राजस्थान में भी हिरासत में कई लोगों को लिया गया है जो पीएफआई संगठन से जुड़े हुए थे। वहीं महाराष्ट्र के 12 जिलों में पीएफआई के करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और एनआईए ने करीब यहां से 20 लोगों को भी हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि ठाणे, जलगांव, नांदेड़, बीड, जालना, कोल्हापुर, भिवंडी ऐसे अन्य जगहों पर छापेमारी की गई है। भिवंडी में पीएफआई के दफ्तर पर छापेमारी एनआईए, एटीएस और ईडी ने की है। यहां पर छापेमारी के दौरान पीएफआई के एक सदस्य मोइनुद्दीन मोमिन को भी हिरासत में लिया गया है। भिमंडी के पड़घा बंगालपुरा में अपने घर के बगल में ही चॉकलेट बिस्किट की दुकान चलाते थे और पीएफआई से जुड़कर ये पीएफआई के लिए काम भी करते थे। आपको बता दें कि देश भर में पीएफआई के दफ्तरों पर छापेमारी जारी है और पीएफआई पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी लग रहा है और इसी वजह से जो है पीएफआई के ठिकानों पर देश भर में एनआईए की छापेमारी जारी है और एनआईए ने छापेमारी में डिजिटल सबूत भी बरामद किए हैं पीएफआई के दफ्तरों से।